परिवार वालों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो क्या गर्भवती मां का दुख समझेंगे, क्या उन मजदूरों का दुख समझेंगे जो अपनी सब गृहस्थी लेकर के सब सामान लेकर के अपने सरों पर जैसे तैसे अपने घर पहुंचना चाहते थे। और ये सरकार वो है जो लाइन में लगाती है लोगों को। नोटबंदी आज के लिए लोग लाइन में लग गए। अभी जब महामारी आई उस समय लोगों को दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, बिस्तर के लिए लाइन में लगना पड़ा। इस बार बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि लाइन में लग करके इनके खिलाफ मतदान कर करके इनको शून्य करने का काम यहां से होगा। यहां झांसी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। यहां की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों को नाक से चने चबा दिए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया किसानों के साथ इन्होंने, जीभ से कुचल दिए किसान। इस बार झांसी की जनता इनको अंग्रेजों से जिस तरीके से दौड़ाया था उसी तरीके से वोट डाल डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस जीप से कुचला था किसानों को, आज बताइए क्या कार्रवाई हुई है। सरकार बचाना चाहती है लोगों को, नौकरी और रोजगार के कितने सपने दिखाए इन्होंने। लखनऊ से लेकर के दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है नौकरियों की, लेकिन बताइए कितने नौजवानों को रोजगार नौकरी मिली है। बड़े बड़े आयोजन किए गए इन्वेस्टमेंट के लखनऊ में, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी भी आए, वो सब आए। बताइए कहां पर कारखाना लग गया, कहां पर उद्योग लग गया। और जैसे ही चुनाव आया तो बताइए मिसाइल का सपना दिखा रहे हैं झांसी के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को। यहां के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं है। चुनाव आ गया तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, स्मार्टफोन देंगे। और इस सरकार ने अगर अपना वादा पूरा किया होता तो लॉकडाउन में नौजवानों को और छात्रों को और आम लोगों को इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो कह रहे थे हम डाटा फ्री देंगे, वाईफाई कर देंगे, लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। अगर दे दिया होता तो लॉकडाउन के अंदर इतनी तकलीफ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता किसी को।